हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, हिंदी वर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीएससी की एक और बड़ी सर्विस के बारे में, जिसका नाम है सीएससी मिलन योजना। जी हाँ फ्रेंड्स, सीएससी मिलन योजना क्या है, यह कैसे काम करती है, आपको इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना या सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, सीएससी की मिलन योजना के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप आ जाइए इस वेबसाइट पे, जहां पे हमने इसके बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सीएससी मिलन योजना क्या है, और एक बार मैं आपको आसान शब्दों में फिर समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो सीएससी मिलन योजना है वो एक सीएससी मैट्रिमोनियल वेबसाइट है जहाँ पर रिश्ते ढूंढने का काम होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके परिवार में भी कोई सदस्य ऐसा है जिसे मनपसंद रिश्ता नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स वो इसके लिए आवेदन कर सकता है कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर, और वहाँ पे उसे अपना एक प्रोफाइल बनाना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आपको यहाँ पे अपने गांव, शहर या अपने क्षेत्र के जितने भी ऐसे सदस्य हैं जिनकी शादी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स वो यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनवा लें। तो फ्रेंड्स, यही इसका मेन उद्देश्य है सीएससी मिलन योजना का। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए आप यहाँ पे पढ़ लें, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दी गई है। अब फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है और यह पोर्टल काम करता कैसे है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए ऊपर मैंने लिंक दे रखी है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीएससी मैट्रिमोनियल लॉगिन, आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ग्रामीण मैट्रिमनी, और यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर एक ऑप्शन है वीएलई लॉगिन का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट करता है और आपका यहाँ पे लॉगिन होता है। इसके बाद फ्रेंड्स इस प्रकार से ये कंटिन्यू करने को आएगा जहां पे आपको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे आप यस कर दें फ्रेंड्स। और जैसे ही आप यस करेंगे तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से ये आपका प्रोफाइल खुलेगा, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है आप किस स्टेट से आते हैं। हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश चुनते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुन लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने यहाँ पे सेव किया, देखिए आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन खुल के आ गई कि फ्रेंड्स अभी तक इस एरिया में कितने प्रोफाइल बने हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 271 टोटल प्रोफाइल हैं, 248 प्रोफाइल यहाँ पे एक्टिव हैं, जिसमें से 257 जो प्रोफाइल हैं वो फ्रेंड्स मेल प्रोफाइल हैं, और उसमें से 14 जो प्रोफाइल हैं वो फीमेल के प्रोफाइल हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अब फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, मैनेज प्रोफाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऐड न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है अगर किसी को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो। तो फ्रेंड्स ऐड न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म में आपको सारी जानकारी देनी है, और सारी जानकारी देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेव कर देना है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको यहाँ पे किसी का प्रोफाइल फिल करके नहीं दिखा रहा, मैं केवल आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल का फोटो रहेगा जिसका आप प्रोफाइल बना रहे हैं, उनका एक वीडियो यहाँ पे रहेगा किस कौन क्रिएट करा रहा है, सेल्फ, ब्रदर, सिस्टर, अदर या अदर रिलेटिव, तो वो आपको यहाँ पे चुनना है। फ्रेंड, इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और जानकारी देनी है आपको फैमिली की, और जानकारी देने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद फ्रेंड कुछ मामूली चार्ज लगेगा, और चार्ज होने के बाद आपका यहाँ पे जो है ये अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद फ्रेंड जितने भी प्रोफाइल हैं वो आपके प्रोफाइल में शो होने लगेंगे। तो फ्रेंड जितने आपने प्रोफाइल बनाए होंगे और जो एक्टिव प्रोफाइल होंगे वो आपको एक्टिव प्रोफाइल में शो होने लगेंगे, और जो आपके जिनका यहाँ पे शादी हो जाती है तो वो इनएक्टिव प्रोफाइल में आ जाते हैं, उन्हें आप इनएक्टिव कर सकते हैं
और फ्रेंड्स वो यहाँ पे आपको इनएक्टिव में दिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से सीएससी मिलन योजना है वो काम करती है, और इस प्रकार से जो गांव के कस्बों के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। तो फ्रेंड पंजीकरण करने का मैंने प्रोसेस बता दिया है, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो बीएलई का कमीशन स्ट्रक्चर है वो अभी तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स यह सर्वे जो है पूर्ण रूप से अभी लाइव नहीं हुई है। तो जब फ्रेंड्स ये सही प्रकार से काम करना शुरू कर देगी तो फ्रेंड इसके ऊपर मैं कमीशन चार्ट भी आपको शेयर कर दूंगा कि कितना कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्रेंड्स अगली वीडियो में मैं आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा और साथ में इसके कमीशन के बारे में भी बताऊंगा। तो फ्रेंड फिलहाल आप इस मिलन योजना के बारे में जान लीजिए कि किस प्रकार से ये काम करती है, और फ्रेंड फटाक से आप भी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर आप एक बीएलई हैं तो। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप सीएससी मिलन योजना के बारे में जान गए होंगे। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।